गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमने लिया है इतिहास। अध्याय 5 है, भाग 1 है, अध्याय का नाम है महान जन पर कार। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईसा पूर्व भारत में 600 ईस्वी अर्थात आज से 2600 वर्ष पूर्व जो काल विकसित हुआ उसे महान जनपद काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अनेक छोटे गणराज्य क्या हुए, विकसित हुए। साथ ही अनेक उद्योग धंधे व्यापार बढ़ने लगे, लोग खेती करने लगे, अनेक नगरें विकसित होने लगी। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको जन का अर्थ। जन मतलब होता है एक वंश के लोग। ठीक है, और जनपद का अर्थ होता है एक वंश के लोगों की क्या बोलते हैं, खेती करने और बसने को जनपद कहा जाता है। और जन जन जनपद मिलकर ही क्या बनाते हैं, महाजनपद। ठीक है, जो बड़े शक्तिशाली एवं गौरवशाली होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, महान जनपद काल के लोग बड़े शक्तिशाली एवं क्या होते हैं, गौरवशाली होते हैं। इस काल में अनेक उद्योगों का क्या हुआ, विकास हुआ तथा दक्षिण अर्थात आज जो झारखंड में है इसमें प्रमुख क्या खनिज प्राप्त किया जाता था, लोहा। लोहा जिससे उनके आय का साधन हुआ। लोहा से क्या हुआ, अनेक छोटे बड़े औजार क्या करने लगे, तैयार करने लगे। लोग अपने उद्योग को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। साथ ही इस काल के लोगों को एक दूसरे से जनपद, एक जनपद दूसरे जनपद को क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे और अपनी आय बढ़ाना चाहते थे, अपना उद्योग बढ़ाना चाहते थे और अपनी ताकत भी बढ़ाना चाहते थे। इस काल में महान जनपद काल में क्या हुआ था, राजा क्या होती थी, शक्तिशाली होती थी। साथ ही राजा क्या होती थी, वंशानुगत होती थी अर्थात पिता की मृत्यु के बाद शासन की पूरी बागडोर किसके पास आ जाती थी, पुत्र के पास। अर्थात पिता की मृत्यु के बाद उसका शासन कौन संभालता था, पुत्र संभालता था। राजा पुत्र होता था, राजा की पूरी तरह शक्तिशाली थी। वह अपने शासन व्यवस्था पर पूरी तरह क्या रखती थी, काबू रखती थी। इस प्रकार इस काल में अनेक छोटे बड़े गणराज्य क्या हुए, विकसित हुए। साथ ही अनेक उद्योग धंधे भी विकसित हुए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।